हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखें ध्यान से और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो जानते रहिएगा, फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण जिन्होंने करवाया था वो थे अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था, और अकबर आया देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जानते रहिएगा, टीबी रोग की रोकथाम के लिए जो टीका लगवाया जाता है उसे कहते हैं बीसीजी। बीसीजी देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जानते रहिएगा, प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो जानते रहिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, तो हाथी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जानते रहिएगा, गुजरात की जो जीवन रेखा जिस नदी को कहा जाता है वो नदी है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जानते रहिएगा, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी जो मानी जाती है वो मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 मई को, तो 1 मई देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जानते रहिएगा, पोलियो रोग में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो जानते रहिएगा, तंत्रिका तंत्र जो होता है ये पोलियो रोग में क्या हो जाए, प्रभावित हो जाता है पोलियो रोग होने की वजह से, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है विषाणु, ऑप्शन बी में है जीवाणु, ऑप्शन सी में है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी में है फंगस। तो जानते रहिएगा, हैजा रोग जो होता है ये होता है जीवाणु की वजह से, तो जीवाणु दिखी आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, ऑप्शन में क्या आया है, ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी में है लेटराइट मिट्टी, और ऑप्शन डी में है जलोढ़ मिट्टी। तो जानते रहिएगा, चाय के लिए उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है वो है लेटराइट मिट्टी, और लेटराइट मिट्टी दिखी है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो जानते रहिएगा, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो जानते रहिएगा, राज्य हड़प नीति जो संबंधित है ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, ये इन्हीं का नियम था, राज्य हड़प नीति को जिन्होंने अपनाया था वो थे लॉर्ड डलहौजी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी आया है लॉर्ड डलहौजी, हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कैसा दिखाई देता है? तो जानते रहिएगा, कोरोना वायरस का अगर ये कहें वो बाई शेप कैसे दिखाई देता है, तो वो मुकुट की आकार का दिखाई देता है, और मुकुट देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है वो है भाग 4 का क, तो भाग 4 का क देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जानते रहिएगा, जोजिला दर्रा भारत के जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आई रिपीट, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो जानते रहिएगा, भारत सरकार को जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? आई रिपीट, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो जानते रहिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था ये लड़ा गया था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में, तो अकबर एवं महाराणा दिखे आए ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जानते रहिएगा, रेबीज के टीके की खोज जिन्होंने की थी वो है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो जानते रहिएगा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जिस वर्ष किया गया था वो वर्ष था 1956, और 1956 देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो जानते रहिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, और सारनाथ देखिए आया ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आई रिपीट, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो जानते रहिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना, और भाखड़ा नागल परियोजना देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो जानते रहिएगा, लाख बख्श जो कहा जाता था ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसका पूरा नाम दिया जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते रहिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में, मुंबई देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है एक विजेता, ऑप्शन बी में है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन सी में है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, और ऑप्शन डी में है एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो जानते रहिएगा, बुद्ध शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है ये होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, और एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए में है प्रयाग, ऑप्शन बी में है सारनाथ, ऑप्शन सी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में है बोधगया। तो जानते हैं कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान है बोधगया, बोधगया देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? मतलब जो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जानते रहे, भगवान बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और धर्म चक्र प्रवर्तन आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? जो भगवान बुद्ध ने जो गृह घर को जो त्यागा था उसका क्या प्रतीक माना जाता है? देखो, ऑप्शन में है घोड़ा, ऑप्शन बी में है कमलव सांड, ऑप्शन सी में है पीपल, और ऑप्शन डी में है पद चिन्ह। तो जानते रहेगा, बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़े को माना जाता है, घोड़ा दिखे आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जानते रहिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी वैशाली में, वैशाली देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जानते रहिएगा, बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये चार बार हुआ था, जिसमें से प्रथम जो आयोजन हुआ था ये राजगृह में हुआ था आजात शत्रु के शासनकाल में, जो कि हरियक वंश से संबंधित था, इतना याद रखिएगा। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी वैशाली में, जो कि किसके शासनकाल में? काला शोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। और बात करें तीसरी बौद्ध संगीत की, तो तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक जो थे वो शासक थे उस समय, और ये मौर्य वंश से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। और अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीत के बारे में, तो जानते रहिएगा, चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी ये हुई थी कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जानते रहिए कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित था, इतना याद रखिए। ये हमारी क्या है, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जो कि यहाँ प्लेस भी दिया गया है, शासक का नाम और किस वंश से संबंधित है ये भी दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जानते रहिएगा, इन चारों की बात करें, जैसे देखिए, ऑप्शन ए में है शनि, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में है चंद्रमा, और ऑप्शन डी में है मंगल। तो जानते रहिएगा, इन चारों की ऑप्शन की बात करें तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और शुक्र दिखे ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है प्लेट,
विवर्तनी, ऑप्शन बी में है अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन सी में है ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी में है भूकंप विज्ञान। तो जानते रहिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने का जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है भूकंप विज्ञान को। और भूकंप विज्ञान देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ वन बाई वन सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।